आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम अपनी जर्नी के 23वें दिन पर पहुंच गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं 23वां चैप्टर हमारा क्या कहता है। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार, सॉरी, तेईसवां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। मतलब अब ये क्या कहना चाहता है, मैरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका, क्या कहना चाहती है। ये कहना चाहती है कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप जब सुबह की हवा में सांस लेने के लिए घर से निकलते हैं, टहलने के लिए आप घर से निकलते हैं। आज मेरी स्क्रीन शेयरिंग बार बार जा रही है, तो मैं आज स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी। कि जब आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, मतलब आप अगर सांस लेते हुए भी, हवा में सांस लेते हुए भी कृतज्ञ होंगे, तो आप में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदली हुई लगेगी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है, इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। तो आप उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें आप सांस लेते हैं, बहुत से रीजन मिल जाएंगे। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी, जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर पर सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। अब वो क्या आश्चर्य है, वो ये आगे बताए। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। मतलब अगर हम कहें कि अब देखिए, अब कुछ जो ग्रह हैं वो सूर्य के बहुत पास है और वहां पर जीवन नहीं है, हम लोग ये खोज कर चुके हैं, वहां पर जीवन नहीं है, तो हमारे ही ग्रह पर अगर जीवन है, क्यों जीवन है? क्योंकि वो सूर्य से एक उचित दूरी पर है, उसका एक वायुमंडल ऐसा है, उसमें हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये सब क्या एक संयोगवश है? मतलब संयोग क्या होता है कि जिसको हम कह देते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हुआ, ये तो हो गया बस है भाई, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये किसी ने बनाया हुआ है, उस शक्ति ने, यूनिवर्स ने, ये किसी संयोगवश नहीं है, किसी कारणवश है, ताकि यहीं पर जीवन बन सके। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। देखिए यह कोई संयोग नहीं है, आपने वो सुना होगा कि हमारी जो एक एक हमारे वायुमंडल के ऊपर भी एक लेयर्स बनी हुई है, जो जो बाहर से जैसे सूर्य की भी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको आने, हम तक आने से रोकती है, हार्मफुल रेज को, हार्मफुल गैसेस को,
इस वायुमंडल में आने से रोकती है। ये सिर्फ संयोगवश नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, मतलब ये कुछ भी अहमी नहीं है, संयोग नहीं है, ये बनाया गया है हमारे रहने लायक। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। देखिए, उनका महीन समन्वय, समन्वय क्या होता है, उनका आपस में तालमेल, समन्वय को हम आम भाषा में कहते हैं तालमेल, कोऑर्डिनेशन, उनका जो कोऑर्डिनेशन है ना इन सब चीजों का, वो इतना महीन, महीन होते बारीक, मतलब इतना सुलझा हुआ, इतना बारीक है कि जिसको हम समझ भी नहीं पाते, और जिस दिन ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया तो हम इस ग्रह पर जीवन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं पनप पाएगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। ये लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से, तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। अब देखिए, ये कुछ भी संयोग से नहीं है, ये सब एक आदर्श पैटर्न में चल रहा है, एक पैटर्न में चल रहा है, एक तरतीब में चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है, और किसके लिए, हमारे जीवन के लिए चल रहा है, हमारे लिए चल रहा है, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना तो बनता ही है ना। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। जब आप ये सोचें, अगर आप कभी देखिए, अंतरिक्ष में जाना तो एक नॉर्मल बात है, जहां पे ऑक्सीजन भी साथ ले जानी पड़ती है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, बल्कि धरती पर भी कई ऐसी जगह है, इंडिया में ही एक ऐसी जगह है, शायद लेह लद्दाख से आगे कहीं है, कि जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत कम, वहां पर नॉर्मल इंसान को सांस लेने में कितनी कठिनाई होती है, ये वहां जाकर पता चलता है, वहां जाकर ऑक्सीजन की वैल्यू हमें पता चलती है। या फिर एक बीमार आदमी से पूछे, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसको ऑक्सीजन खरीद खरीद कर ऑक्सीजन के सिलेंडर से सांस लेनी पड़ रही है, उससे आप ऑक्सीजन की वैल्यू जब पूछेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमें जो ये फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है पेड़ों से, अब पेड़ ही क्यों ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ों से हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, उनका ही ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है कि ये कि वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। हमारे लिए, जीवन के लिए, धरती पर ये जीवन का पूरा एक चक्र बनाया गया है उसके लिए, तो हमें इसकी वैल्यू करनी है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता।
चंद मिनटों से अधिक। आप अपनी सांस रोक के देखिए कि आप कितने मिनट के लिए, मैं तो कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाती, कि आप कितने मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं। कुछ मिनट के लिए ही रोक पाएंगे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए ही रोक पाएंगे, पर मुश्किल से आप, उसके बाद ही आप रोक पाएंगे। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता की सबसे गहरे स्तर तक पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। मतलब आप कृतज्ञता भी कर रहे हैं और सच्चे मन से कर रहे हैं, गहराई, दिल की गहराइयों से कर रहे हैं, तो समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे, उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर पांच पांच बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज पांच गहरी सांसें लें और छोड़ें। ऐसे लंबी सांस आपने लेनी है और छोड़ना है, और छोड़ते समय क्या कहना है, ये काम पांच अलग अलग समयों पर करें। और जब आप पांच बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ या लेती हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। मतलब कि आपने सांस लेना है और छोड़ते टाइम आपने क्या कहना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरे फोन की बैटरी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं, मतलब दोनों ही कर सकते हैं। अब मैं मोस्टली कई बार बाहर करती हूँ, और जिस दिन ये चैप्टर होता है ना, उसे सच में ऐसा लगता है कि हवा आके हमसे लिपट रही है। मतलब हवा ऐसे सामने से आती है और पता चलता है कि हवा भी कह रही है कि आओ तुम मेरे लिए ग्रेटफुल हो रहे हो तो मैं तुम्हें गले लगाती हूँ। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वही कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं
उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। अभी देखिए, पहले इन्होंने ऊपर कहा था कि लंबी सांस ले, मतलब सांस ले फिर उसे छोड़ते हुए बोले। तो आप अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं जो बिजी वाली जगह है, आप लंबी लॉन्ग ब्रीथ नहीं ले सकते, तो आप नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं, आप उसके साथ ही सिर्फ उस हवा का धन्यवाद कर सकते हैं। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। अब देखिए, आंखें बंद करने से आपको ऐसा फील होता है कि मैं ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। लंबी सांस लेने से मिलती है हेल्प, तो लंबी सांस ले सकते हैं। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। अब जैसे जो हिंदू धर्म में ओम की ध्वनि बनाई गई है, वो भी पहले हम सांस भरते हैं और फिर इसको छोड़ते हुए हम ओम करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको सांस छोड़ते हुए कोई ध्वनि निकालने में हेल्प मिलती हो जिससे आप ज्यादा ग्रेटफुल फील करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। अब देखिए किमियागर क्या होता है, आप किमियागर का मीनिंग ढूंढिएगा गूगल पर या डिक्शनरी में कि किमियागर किसे कहते हैं। वह सच्चा किमियागर बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। हर हिस्से को मतलब, अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर, हर हिस्से को मतलब अगर आप कभी गम में भी हो तो उसे खुशी में बदलने की हिम्मत हो जाए आपके पास, उतनी ताकत आ जाए, तब आप एक सच्चे किमियागर बन जाएंगे। कि आप नेगेटिव को भी, अपने किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदल सके, मतलब अपने हर हिस्से को आप सोने में बदलना। अब सोना क्या होता है, सबसे महंगी चीज है ना सोना, सोने में बदल देना मतलब कोयले को सोने में बदल देना, इसका मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना, दुख को खुशी में बदल देना, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे इस अभ्यास के बाद। आगे बढ़ते हैं, जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर दो, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें, सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें दिल की गहराइयों से। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यह हमारा चैप्टर आज का यहीं पर खत्म होता है। इजी चैप्टर है, क्या करना है आपने, सिर्फ दिन में अपनी जादुई हवा, मतलब जादुई हवा क्यों है, क्योंकि वह हमें जादू करना सिखा रही है, हमें इतना कैपेबल बना रही है कि हम कृतज्ञता के जादू से समृद्धि प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हवा भी जादुई है, क्योंकि देखिए अगर हवा जादुई नहीं होती, अगर उसमें ऑक्सीजन ना होती, हमारे काम की गैसेस ना होती, तो हम कैसे जिंदा होते। सो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।